नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वसंत पटेल और मेरी बेटिया ध्वनि, हम दोनों अभी कार में वस्त्रापुर से जा रहे हैं। हमारी अस्पताल के रोड पे हैं, अभी आस्टोरिया तक पहुँचे हैं। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से एक रूल्स है कि भी कार में भी मास्क पहनना जरूरी है। अभी मेरी कार में आप देख रहे हो, हम दोनों हैं, हम दोनों एक ही फैमिली से, मैं और मेरी बिटिया है। अभी इसमें हम दोनों घर में साथ रहते हैं, घर में कोई मास्क पहनना जरूरी नहीं रहता है। कार में से हम किसी बाहर तीसरी कोई भी इंसान को हम कोरोना से संक्रमित कर नहीं सकते हैं। ये कार में जो मास्क पहनने वाला रूल्स है वो साइंटिफिकली बहुत ही खराब रूल्स है, क्योंकि कार में जो एयर होती है उतनी एयर से ही ब्रीदिंग करना रहता है और ऊपर से मास्क रहता है, तो ये इंसान की हेल्थ को नुकसान करने वाला रूल्स है। सरकार और जो एडवाइजरी कमेटी है कोरोना की साइंटिफिक, उनको इसके बारे में जो रूल्स बना रहे हैं उनको कुछ सुझाव देना जरूरी है कि ये जो कार वाला रूल्स है उसको तत्काल कुछ उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि एक ही परिवार के लोग कार में घूमते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि भी बाहर से आया। और जो कार में ऐसा रूल्स बनाना है तो जो टैक्सी कार है उसके लिए वो लोग रूल्स बना सकते हैं कि भाई उसमें पैसेंजर घूम रहे हैं, मगर जो प्राइवेट कार है उनको ये रूल्स से बाहर रखना चाहिए, ऐसा मेरा अवश्य मानना है। तो मेरा सभी दर्शक मित्रों से यही विनती है कि आप भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और सरकार तक पहुँचाएं। प्राइवेट कारमां मास्क अंगेना नियम सामे एक डॉक्टरना विचारो तमे सांभळ्या, एक सामान्य नागरिक तरीके तमारू शुं मानवू छे?